फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं भी आपका कौशिक किचन में स्वागत करती हूँ। इवनिंग स्नैक्स किस किस को पसंद है? सबको ना, मुझे भी। चाय के साथ अगर इवनिंग में कुछ स्नैक्स नहीं हो तो मज़े नहीं आते। तो आज हम बनाते हैं एक इवनिंग स्नैक। हम बनाएंगे आटे के नमक पारे। आपने मैदा के नमक पारे खाए होंगे, पर आज हम बनाने वाले हैं मैदा के नहीं, आटे के, गेहूं के आटे के, जो बहुत ही कुरकुरे होते हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। जो मैदा के होते हैं वो तो आप खाते हैं तो थोड़ा सा मुंह में चिपक जाता है मैदा, और इतने मज़ेदार नहीं होते। पर आप इस तरह से भी बना के देखिए, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत हेल्दी भी रहते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी रहते हैं। बच्चे अगर खाएं इसे तो उन्हें भी बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए बनाएं नमक पारे। ये देखिए मैंने बनाए हैं कुछ पहले से ही। ये कितने कुरकुरे हैं, देख लीजिए, आप भी देखिए। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि ये मैदा के, जो मैदा के होते हैं वो बहुत ज्यादा कुरकुरे होते हैं, तो सबको लगता है मैदा के ही अच्छे होते हैं। नहीं जी, ये देखिए, ये भी बहुत कुरकुरे हैं और बहुत टेस्टी भी हैं। चलिए बनाएं नमक पारे। आटे के नमक बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका डो बनाने के लिए हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, उसमें 2 चम्मच नमक डाल लिया है। अब हम उसमें 1/2 स्पून सोडा डालेंगे और 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को आप हाथ से इस तरह से मसल के डालें जिससे कि वो क्रश हो जाए थोड़ी सी, और 1/2 स्पून सोडा डाल दीजिए इसमें। सोडे से क्या होगा कि हमारी जो नमक पारे हैं उनमें क्रंचीनेस आएगी और वो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए हमने ये सब डाल दिया है। अब हम आटा देंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे 3 कप आटा ले रही हूँ, गेहूं का आटा ले रही हूँ मैं यहाँ पे। आप कोई सा भी और आटा, आपको जो सा चाहिए, मल्टीग्रेन या नॉर्मल आटा, मैं यहाँ पे गेहूं का आटा दे रही हूँ क्योंकि हम नमक पारे आज आटे के बना रहे हैं। ट्रेडिशनल जो नमक पारे होते हैं वो मैदा के बनते हैं। मैदा के थोड़े से डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आटे के बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने गरम किया हुआ 1 कप ऑयल डाल लिया है। ऑयल से अब अच्छे से हम इसको, ऑयल को आटे में मिला लेंगे। इस तरह से पूरी तरह से मिलाएंगे पूरे आटे में, जब तक कि इस तरह से मुट्ठी बनने नहीं हो जाए आटे का। ये देखिए अब हम इसमें धीरे धीरे पानी मिलाएंगे और इसका टाइट आटा उसमें। बेस्ट पार्ट यही होता है कि आप जितना अच्छा आटा उसनेंगे उतना ही अच्छा आपका नमकीन पारे बनेंगे। यहाँ मैं धीरे धीरे पानी मिला रही हूँ। एक साथ पानी मिलाने से फिर आटे का पतला होने का रहता है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे मिला रही हूँ और इसका टाइट डो बना लेंगे हम इस तरह से। ये देखिए हमारा डो तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। जितना आप इसको इस तरह से मथेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उतना ही अच्छे हमारे नमक पारे बनेंगे। इस तरह से आप अच्छे से इसको मथ लीजिए जिससे कि हमारे बहुत क्रंची क्रंची नमक पारे बने। अब हम इसके छोटे छोटे लोई काट लेंगे जिससे कि हम उसके स्लाइसेस बना सके नमक पारे के। ये देखिए हमने इस तरह से चाकू के हेल्प से काट लिया है। अब हम थोड़ा सा तेल लेके और इसको, अब हम बेलन की मदद से इसकी लंबी लंबी सांखें बना लेंगे। थोड़ा सा तेल डाल लिया है क्योंकि जब हम सांखें काटे तो
तो ये चिपके नहीं हमारे स्लैब पे, इस तरह से हम इसकी बिल्कुल पतली रोटी जैसे बना लेंगे और फिर लंबा लंबा चाकू से काटेंगे। अब जितनी लंबी सांखें रखेंगे उतने ही क्रंची हमारे शक्कर पारे और नमक पारे बनेंगे। शक्कर पारे भी इसी तरह से बनते हैं, मैं उसका भी कभी वीडियो डालूंगी। आज के लिए नमक पारे की रेसिपी देखिए। मैदा वाले जो नमक पारे होते हैं वो कुछ टाइम के बाद वो मुंह में चिपकने लग जाते हैं, आप खाते हैं तब लगते हैं वो भी बहुत टेस्टी हैं, पर बहुत डाइजेस्ट होने में दिक्कत होती है उनको। ये देखिए हमने इस तरह से पूरा पहले लंबे सांके काट लिए थे, अब हमने उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है जिससे कि वो हमारे नमक पारे की शेप में कट जाए। ये देखिए थोड़ा सा डीप काटें जिससे कि जब हम एक एक पीस को निकालें तो वो चिपके नहीं जमीन में। ये देखिए पूरे पीसेस काट लिए हैं हमने, अब हम इसको एक एक करके पूरे प्लेट में लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमने सारे प्लेट में निकाल लिए हैं और दूसरी तरफ हमने ऑयल को गरम होने रख दिया था। ये देखिए हमारा ऑयल गरम होने लग गया है, ऑयल को हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। जब उसमें से भाप उठने लग जाए तब हम एक एक करके उसमें हमारे नमक पारे डालेंगे इस तरह से। आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि आप गरम गरम तेल में डालेंगे तो तेल उछटने का डर रहता है, तो थोड़ा केयरफुल होके डालें। जब आप ये नमक पारे डालें इसमें तब फ्लेम को कम कर लें और बाद में सारे डालने के बाद फ्लेम को हाई कर लें। आप एक साथ सारे सांखे काट के रख सकते हैं और जब बाद में आपको तलना हो एक साथ तब आप एक साथ तल सकते हैं। मैंने पहले सारे एक साथ काट लिए थे, अब मैं फटाफट इन सबको तल लूँगी और फटाफट हमारे नमक पारे बन जाएंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाली स्नैक्स हैं ये, आप आराम से बना के इनको स्टोर कीजिए और जब भी चाय हो, इवनिंग स्नैक हो, कभी भी मन हो कुछ भी क्रंची सा खाने का तो इसे खाइए और इसका मज़ा लीजिए। ये देखिए हम इसको तब तक थोड़ा सा तलेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। इसको हाई फ्लेम में ही तलना है क्योंकि लो फ्लेम में ये फिर इनकी क्रंचीनेस खत्म हो जाएगी और ये थोड़े से सौगी सौगी से हो जाएंगे। ये देखिए हमारे नमक पारे बिल्कुल तैयार हैं, हम इनको इस तरह से पूरे नमक पारों को तेल छान के निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर। ये देखिए अब आप इनको कभी भी खाइए, मैंने सारे नमक पारे बना लिए हैं और उनको स्टोर करके रख दिया है। आप भी इसे बनाइए और अपने रिव्यूज मेरे साथ शेयर कीजिए। देखिए कितना जल्दी बन गए ना हमारे सारे नमक पारे, मैंने बहुत सारे बनाए हैं क्योंकि मैं स्टोर करके रखती हूँ, मेरे हस्बैंड को और मेरे बेबी को बहुत पसंद है तो अच्छे से स्टोर करके एक एयर टाइट डब्बे में रख देती हूँ और ये 5-6 दिन तक आराम से खा लेते हैं। आप इसे स्टोर करके 1 वीक 2 वीक तक चला सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे चाय के साथ। आप कुछ मूवी देख रहे हो तो कुछ स्नैक्स सही होते हैं उनके उसके लिए, तो आप भी बनाइए, अपने व्यूज मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।